हेलो एवरीवन, नीरविला क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं निवेदिता जायसवाल आज आपको निशुल्क कानूनी सेवा के बारे में बताऊंगी और कैसे गरीब तबके के लोग निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 39A के अंतर्गत निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि लॉ से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल सकती है। तो हम बता रहे थे कि गरीब तबके के लोगों को कैसे कानूनी सहायता मिल सकती है। तो आर्टिकल 39A के अंतर्गत कहा गया है कि हमारे भारत में ऐसी न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन होना चाहिए कि जिससे सबको समान रूप से न्याय मिल सके, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान हो सके ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और इससे वंचित न रखा जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आपको सिविल प्रोसीजर एक्ट के अंतर्गत जो आपका 32 और 33 के अनुसार निम्न गरीब कानूनी व्यक्ति को कानूनी सहायता हम प्राप्त करवा सकते हैं। पहला आपका हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पास मुकदमा करने या कोर्ट की फीस जमा करने के लिए पर्याप्त साधन न हो तो वो निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि तलाक के मामले में कोई भी महिला को निशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। जैसे तलाक का कोई भी मामला हो तो वो निशुल्क सहायता प्रदान मिल सकती है उसको कानूनी रूप से। अब तीसरा हम आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। चौथा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1,000 रुपये तक की संपत्ति भी ना हो और जिसकी कुर्की नहीं की जा सकती है तो उससे हम उसको कानूनी सहायता मिल सकती है। अब पांचवा आता है, गुजारा भत्ता के मामले में कोई भी व्यक्ति अगर कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता मिल सकती है। अब आपको बोलते हैं छठा कि रेप से पीड़ित कोई भी महिला है तो उसे निःशुल्क सहायता मिल सकती है। सातवां आता है कि अपहत महिला, जैसे अपहरण, कोई भी महिला का अपहरण हो जाता है तो सरकार से उसे निशुल्क कानूनी सहायता मिल सकता है। आठवां होता है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे अगर अपराध करते हैं तो उन्हें कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नवा, कैदी लोक उपद्रव से प्रभावित होने वाला, कैदी या लोक उपद्रव से प्रभावित होने वाला नागरिक भी निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। अब हम दसवां में आते हैं कि मानसिक नर्सिंग होम, यानी जो मानसिक रोगी होते हैं तो उन्हें भी बहुत गलत तरीके से उन्हें नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो भी ऐसे रहने वाले व्यक्ति को भी निशुल्क वकील वो कर सकते हैं। आज आपको पता चला कि कौन कौन से व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और आपको पता चल गया हो कि कौन से आर्टिकल के तहत है और कहाँ प्राप्त किया जाता है। आप कोई भी कोर्ट में जाके, आप कोई भी वकील से आप यह सहमति प्राप्त कर सकते हैं कि हमें निशुल्क विधिक सहायता चाहिए, तो ये हमारे सरकार द्वारा ये दिया गया एक अधिकार है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।